सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज वीडियो मैं पॉन्डिचेरी के बजट के ऊपर बनाने वाला हूँ। आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे कम से कम बजट में आप लोग पॉन्डिचेरी घूम सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हुए जाएंगे कि आप लोग पहुँचे कैसे, चीपेस्ट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे हैं, और उसके बाद वहाँ रुके कहाँ, खाए कहाँ, सबसे बढ़िया जगह घूमने की कौन कौन सी है, बीचेस सबसे ज़्यादा कौन कौन से बढ़िया हैं, सबसे साफ बीचेस कौन कौन से हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड बिफोर दिस प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने पहुँचना कैसे है। एज यू ऑल गाइज नो, द बेस्ट एंड चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट इज इंडियन रेलवेज। तो या तो आप इंडियन रेलवेज पकड़ के डायरेक्ट पौंडीचेरी जा सकते हैं, या फिर आप चेन्नई जा सकते हैं। चेन्नई से आप बाई ट्रेन और बाई बस कैसे भी चले जाइए पौंडीचेरी, दैट इज जस्ट 150 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई। और वहीं आप बाई एयर ट्रेवल कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा, लेकिन आपका टाइम सेविंग भी होगा। तो आप बाय एयर या तो आप पौंडीचेरी की डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ सकते हैं, या फिर आप चेन्नई की फ्लाइट पकड़ सकते हैं, और वहाँ से बाय ट्रेन और बाय बस। नाउ यू विल नीड अ होटल इन पौंडीचेरी, एंड द होटल विल कॉस्ट यू अराउंड 1500 to 2000 नियर बाय द बीच। और इफ़ यू वॉन्ट अ सी व्यू होटल, दैट मे कॉस्ट यू द टोटल बजट ऑफ योर एंटायर ट्रिप, सो इट्स बेटर टू कीप इट लो। और मैं इस होटल का कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्या पता मेरी वीडियो दिखा के आपको कुछ कम हो जाए प्राइस। कम टू द ट्रांसपोर्टेशन, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि वो आपसे डबल ट्रिपल चार्ज करेंगे, लाइक 200 रुपये सिर्फ 2 किलोमीटर का। इससे बढ़िया होगा कि आप एक स्कूटी ले लें। मैं स्कूटी वाले का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और स्कूटी आपको 300 से 400 रुपये के आसपास पड़ेगी, और पर डे में कितना ही आप घूम लेंगे, 100 से 150 रुपये का पेट्रोल लगा लेंगे। खाने की बात करें तो बेस्ट स्नैक्स आपको मिलेगा हॉटस्पॉट पे। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया खाना आपको यहाँ पर मिलने वाला है, अगर स्नैक्स की बात करें, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो। उसके बाद एक रेस्टोरेंट आता है चिली, जहाँ पर आप अपना मेन कोर्स ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा दिखने में भी अच्छा, और खाना भी उतना ही अच्छा, और बहुत सही है। एंड इफ़ यू आर अ पार्टी पर्सन, देन दिस इज़ द ओनली प्लेस फॉर यू इन पौंडी, दैट इज़ कोजी रेस्टो पब ऑन अन्ना सलाई रोड। और मैंने बहुत कोशिश करी ढूंढने की, सिर्फ एक यही मिला। लेकिन एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लोकल मार्केट्स हियर। द लोकल मार्केट्स आर वेरी गुड एंड चीप हियर, एंड इवन यू कैन गो फॉर द ब्रंच ऑल्सो, सो दैट इज़ वेरी नाइस। एंड दिस इज़ द फ्रेंच कॉलोनी विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1674 बाई द फ्रेंच पीपल, एंड दिस इज़ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन हेयर इन पौंडीचेरी विद इट्स ब्यूटिफुल हाउसेज एंड द क्लीन रोड्स। एंड दिस इज़ द पौंडीचेरी म्यूजियम विच इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ द चोला एम्पायर स्कल्चर्स, दैट इट हैज़ 81 ब्रॉन्ज चोला एम्पायर स्कल्चर्स, एंड इज़ वेरी गुड टू सी इफ यू वॉन्ट टू सी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरीज इन इंडिया विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1827 आफ्टर द नेम ऑफ अ फ्रेंच स्कॉलर, एंड इट हैज़ मोर देन 4 लाख बुक्स इन इट। अब बात करते हैं यहाँ के बीचेस की। तो ये जो है सबसे ज़्यादा मेन और फेमस बीच है, दैट इज़ रॉक बीच, और इसको आप प्रोमिनेड या गांधी बीच भी कह सकते हैं। और ये वाला बीच आपको अपने होटल के सबसे ज़्यादा पास पड़ेगा, और फ्रेंच कॉलोनी के भी। फ्रेंच कॉलोनी के बिल्कुल सामने ये वाला बीच पड़ता है, और इसकी कोस्ट लाइन भी सबसे ज़्यादा लंबी है। और यार यहाँ पर आपको एक फ़ायदा होने वाला है कि सुबह सुबह आप उठ के आ सकते हैं, तो यही वाला बीच आपको सबसे पास पड़ने वाला है। और सुबह का सनराइज, यार आई सजेस्ट यू गाइज बिल्कुल भी मिस मत करना, दैट इज़ अल्टीमेट एंड गोना मेक योर होल डे। दिस इज़ द सेरेनिटी बीच, और ये आपको लगभग फ्रेंच सोसाइटी से 10 किलोमीटर पड़ेगा, एंड नेटिव पीपल मेनली यूज इट फॉर फिशिंग। तो यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं रहता है, तो अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, वरना अवॉइड भी कर सकते हैं इस वाले बीच को। दिस इज़ द पौंडी मरीना बीच, दिस इज़ वेरी क्लीन एंड वेरी नाइस बीच, बट दिस वॉज मोर क्राउडेड बाई द लोकल पीपल्स अराउंड देयर। और बीच बहुत साफ है, और शाम रात तक भी खुला रहता है। इफ़ यू वॉन्ट अ विजिट हेयर, दिस इज़ काइंड ऑफ गुड प्लेस फॉर यू गाइज। और उसी के बिल्कुल सामने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स टाइप्स है, जहाँ पर आपको आइसक्रीम से लेके बहुत सारे स्नैक्स खाने को मिलेंगे। जस्ट 5 किलोमीटर्स फ्रॉम द फ्रेंच कॉलोनी, और किड्स के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर करने के लिए। एंड दिस इज़ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन पौंडीचेरी, और यहाँ पर आप या तो बाय रोड डायरेक्टली पैराडाइज बीच जा सकते हो, या फिर आप बाय बोट, आप पहले ही आपको रुकवा देंगे और वहाँ से आप बोट करके डायरेक्ट पैराडाइज बीच जा सकते हो। तो पैराडाइज बीच जो है वो काफ़ी सुंदर है, जाने के लिए बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड है, और बहुत ही अच्छा बना रखा है लोगों के बैठने के लिए, उठने के लिए, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर प्लेस है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर आपको एकदम अच्छे वाली सैंड मिलने वाली है, और एक्टिविटीज़ बहुत मिलने वाली है, जैसे हॉर्स राइडिंग या फिर कार रेसिंग,
या फिर जो सैंड में आप कार चलाते हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा बीच है। यहाँ की सैंड बहुत अच्छी थी और मेरे को तो कुछ लोग मिल गए वॉलीबॉल खेलते हुए और मैंने उनके साथ वॉलीबॉल भी बहुत अच्छे से खेला। सो दिस वाज काइंड ऑफ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस फॉर मी टू विजिट। और मैंने ये लगा लो कि यहाँ के लोग बहुत सही थे जिन्होंने मेरे को खिलाया। और यहाँ पर आपको बहुत सारे स्नैक्स वगैरह या चाट वगैरह अगर आप थोड़े अच्छे लगते हैं तो वो भी खाने को मिलेंगे, जैसे कि देख रहे हो आप शुगर केन जूस, या फिर आपको वाटरमेलन भी बहुत खाने को मिलेगा। और इसकी कोस्ट लाइन भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। और अब अगर मैं आपके बजट की बात करूं और आप दो लोग ट्रैवल करते हैं बाय ट्रेन टू डायरेक्टली पॉन्डिचेरी, तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 4000 पर पर्सन एक्सक्लूडिंग योर मील्स, बिना आपके मील्स के। ओके, वो कैसे? तो अगर आप बाय ट्रेन स्लीपर क्लास ट्रैवल करते हैं टू पॉन्डिचेरी तो द टिकट इज़ अराउंड 860 रुपीज़ पर पर्सन। और अगर आप शेयरिंग बेसिस पे दो दिन के लिए रूम लेते हैं तो दैट विल कॉस्ट यू 1500 पर डे, दैट मीन्स 750 ईच, तो दो दिन का हुआ 1500। और स्कूटी आपको पड़ेगी 300 से 400 के बीच में, तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 300 पर डे। और फ्यूल आप 100 या 150 रुपये का पर डे डलवा लेंगे। अगर आप पूरी सीरीज देखना चाहते हैं जिसमें मैंने पूरा ट्रैवल करा है, चेन्नई और विजयवाड़ा भी, और तीन दिन मैं पांडिचेरी रुका हूं, तो एंड स्क्रीन ये आ गई है आपके सामने, प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है यार। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर लव्ड वंस, एंड लव यू ऑल गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।